अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। नाज़रीन, आज हम आपको, मुझे उम्मीद है तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये कैसे काम है, लेकिन हर बंदे का काम का तरीका अंदाज ज़्यादा होता है। तो आज आपको मैं सिखाने वाली हूँ कि ये जो मट्टी लगाते हैं बर्तन को, तो आप कोई भी फालतू बर्तन ले लें रफ्सा, तो उसमें आप मट्टी डाल के रख दें, तो ये मट्टी है जो ये अच्छी तरीके से गल चुकी होती है। तो इसको इस तरह हमें लगाना चाहिए कि पता ना चले कि कहाँ से काम शुरू हुआ है और कहाँ से ये इसका तरीका ख़त्म हो गया। इस तरह की मट्टी लगाते हैं, इसका पता ना चले जब हम एंड पे ख़त्म करते हैं तो ये कहाँ से शुरू की थी और कहाँ पे ख़त्म की है, इसका ये काम करने का तरीका। तो इसलिए ये मैं आपको दिखाऊँगी लगा के, तो आप देखें वो किस तरह लगाते हैं। कुछ लोगों की तो होगा कि ये भी कोई तरीका है या ये भी कोई काम है, लेकिन काम काम का तो तरीका होता है, तो ये पता नहीं चलना चाहिए कि किधर से ये शुरू हुई थी और किधर पे ये काम ख़त्म हुआ है। ये इसका असल तरीका कार होता है, उसकी सफाई होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख के खुद बताएंगे कि नहीं पता चलेगा कि किधर से ये शुरू हुई थी ये काम और कहाँ पर ख़त्म किया। इस तरह इसको करते जाते हैं करते जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा हो गया है तुवा या मट्टी लगाना जिसको बोलते हैं। तो आगे हम काम शुरू करते हैं, इसलिए मैं दलिया बनाऊंगी आपके सामने। आइए देखिए, इनको नमाज के लिए ले जाओ। तो ये हम आग जल चुकी है, तो देखते हैं ये ऊपर अंडिया। अब इसमें दलिया हम बनाते हैं। गर्म होने का इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर, अभी हम इसमें घी डालेंगे। छोड़ दे परी पूरी तो नाज़रीन, ये मेरा छोटा बेटा ठीक नहीं है, वो बीमार है, सर्दी जाते हुए भी बहुत परेशानी होती आते हुए भी। ये बच्चे महसूस करते हैं कि सर्दी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसको सर्दी लग गई है। तो मैं अब इसके लिए दलिया बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने डाल दिया घी। तो घी बेशक देसी हो या डालडा हो, लेकिन इसमें पहले इसको डाल के दलिया को अच्छी तरह भून लेंगे। अब मैं उसको दलिया बना के दूंगी। बस उसको दौड़ने का बड़ा शौक है, लेकिन वो जर्सी नहीं पहन रहा था, बहुत मैं उसको डांट रही थी कि जर्सी पहनो जर्सी पहनो, लेकिन उसने ठंड लगा ली अपने आप को। अब हम इसको मैं दलिया बना के दूंगी। बीमार पड़ा, स्कूल भी नहीं जा रहा था, मैं उसको दलिया बना के देती हूँ ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। आस्ता आस्ता पहले तो भून लेंगे आपके सामने। ये तो जल्द ही भून जाएगा, 4-5 मिनट के लिए बस इसको करूँगी मैं। तो नाज़रीन, ये देखे हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, लेकिन हम इसमें प्रॉपर चमचा चलाएंगे, वो इसलिए कि इसमें छोटे बड़ा दाने होते हैं दलिए के, तो प्रॉपर चमचा चलाते रहना चाहिए ताकि वो जो छोटे बारीक दाने होते हैं इसके अंदर वो जल ना जाए। तो घी आपकी मर्ज़ी, आप देसी भी डाल सकते हैं तो डालडा भी डाल सकते हैं। तो कोशिश करें कि देसी हो तो ज़्यादा बच्चे को फ़ायदा देगा, जल्दी आराम आएगा उसको। तो ये अभी इसको 2-3 मिनट ही और लगेंगे, कोशिश करें कि दवाई से बचा जाए और देसी तरीकाकार कोई चीज़ें खाई जाएँ। देसी अंडा खा लें, दलिया खा लें या ड्राई फ्रूट खा लें, ताकि बच्चे के अंदर हीट हो, उसका बुखार से ठीक हो जाएगा फिर इस तरह। तो अभी देखिए 1-2 मिनट और मैं इसको भूनूंगी, तो फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। तो ये बड़ी जल्दी से हो रहा है ब्राउन, ये ब्राउन हो गया। तो मैं अभी इसके अंदर
पानी ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा नमक भी ऐड कर लेंगे साथ ही, फिर जल्दी गल जाएगा। तो थोड़ी देर बाद में इसमें चीनी भी डाल लूँगी। अभी इसको एक दो बॉयल आएगा तो फिर मैं इसके अंदर चीनी भी ऐड करूँ। और नमक और चीनी अगर एक साथ डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी गल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हो गया हमारा दलिया। तो अब इसको तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। दादी ये देखिए, ये इसमें उबाल आ रहा है। तो ये जो इसके ऊपर पानी है इसको हमने देखना है कि अगर आपका बेबी बहुत छोटा है तो कप के साथ नहीं पी सकता तो आपने इसको ना फीडर में डाल के देना है। इसकी नाक बंद है, वो सांस नहीं इससे लिया जा रहा, तो आपने ये इस तरह उतार के तो फीडर में डाल देना है। तो अगर बड़ा बच्चा कप के साथ पी सकता है तो आपने इसको कप में डाल के देना है। तो मेरा बच्चा तो ज़रा बड़ा है तो मैं तो उसको कप में डाल के दूँगी। तो जो फीडर में पी सकता है फीडर में डाल दे। तो अभी ये दो तीन उबाले आने के बाद ये पक जाएगा। एक दो आया तो ये थोड़ा सा पानी उतार के तो उसको दे दें। तो ये देखिए मैंने डाला, ये मैं उस छोटे को देने लगी हूँ कि पिए, उसकी बंद ना खुल जाएगी इससे। ये देखिए, ये हमारा दलिया रेडी हो चुका है। तो अगर आपको ये हमारा दलिया की रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर हमें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये सर्दी में आप भी बच्चों को जो ऐसा कोई मसला हो तो ज़रूर उनको दलिया खिलाएं, क्योंकि दलिया के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। कि अल्लाह ताला ने ये ऐसी चीज़ बनाई है कि हर रोज़ हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इससे फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।